नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी अपने हैंड का विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि हमें भी जो है हाथ का इसी तरीके से जिस तरीके से हाथ का विश्लेषण करके अगर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो हैंड एनालिसिस वीडियो चार्जेस 20-1500 रुपये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है 91-20-10-15-61। इसी नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल सेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल के माध्यम से पहले मैंने बता दिया है, आपको हैंड का वीडियो बन करके आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। ठीक है, और ईमेल पे चाहते हैं तो ईमेल पर मिल जाएगा, व्हाट्सअप में चाहते हैं तो व्हाट्सअप में आपको हैंड का फुल हैंड का वीडियो डीपली एनालिसिस करके आपको वीडियो आपको व्हाट्सअप पर मिलेगा। चलिए, हाँ, इस ये आज मेरे पास आज एक हाथ आया है अंजलि पाठक जी का, मेरे पास एक हैंड आया है फीमेल का, एक्टिव हैंड ही देखते हैं। ठीक है, तो ये आज ये जो महिला है अभी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इनकी जो है फैक्ट्री है, प्लास्टिक की फैक्ट्री है। अभी फ़िलहाल इनकी फैक्ट्री में जो है अभी 15 दिन पहले इनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। ठीक है, तो ये इन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाना चाहती है, तो चलिए आज एक नया प्लान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं इनकी हथेली पर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इनकी फैक्ट्री में आग भी लगी है, ऐसे कौन से प्लैनेट हैं, तो चलिए देखते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिलहाल पहले सबसे मैं यहाँ पर इनकी जो है फिंगर देखना चाहूँगी। फीमेल हैं और वो भी एक बिजनेस वूमेन है। बिजनेस वूमेन के साथ साथ इनकी जो हाथों की उंगलियाँ हैं, ठीक है, उंगलियों का ये जो साइज़ आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी इनका हाथ थोड़ा सा गठा हुआ है। छोटा हाथ का ये जो चौड़ाई है वो तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। प्लैम इतना चौड़ा फीमेल के हाथ में बहुत कम देखने को मिलता है और बाकी काफ़ी उभार है इनकी। इनके जो पर्वत भी हैं वो भी काफ़ी अच्छी अवस्था में उठे हुए हैं इनकी हथेली पर। मोस्टली फीमेल के हाथ जो होते हैं बिल्कुल नाजुक से होते हैं, ठीक है, बट ये वर्किंग वूमेन है। ठीक है, तो इनकी हथेली पर यहाँ पे जो उंगलियाँ हैं काफ़ी गठी हुई हैं और छोटी नाटी उंगलियाँ हैं। जिस भी जातक के फीमेल या मेल पार्टनर के इस तरीके से फिंगर होते हैं, ऐसे जातक बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं और दूसरों का पैसा मारने वाले भी होते हैं ऐसे जातक, ये भी बात है। ठीक है, जितना भी हो सकता है अगर उसको 5000 पेमेंट देने हैं तो उसमें से 100-200 रुपये मार ही लेते हैं, काट ही देंगे। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसमें जो है 1-2 दिन के अगर वो नहीं आया है, वर्कर नहीं आया तो उसमें से इसका काट लेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो कंजूस होते हैं ये, यहाँ पर जो है उंगलियों की पहचान होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनकी हथेली पर यहाँ पर मैं बुद्ध फिंगर की। बुद्ध फिंगर काफ़ी अच्छी पोजिशन पर हैं, काफ़ी जो है हार्ड वर्किंग वूमेन है। ठीक है, और इनका दिमाग काफ़ी फास्ट चलता है, बहुत तेज इनका दिमाग चलता होगा। काफ़ी निर्भीक रहती हैं, निडर रहती हैं। जिस तरीके से इनकी यहाँ पर उंगली है, खुद ही शो ऑफ कर रही है, खुद ही बता रही है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे जातकों के लिए। ठीक है, दूसरी बात, इनका ये जो अंगूठा है, अंगूठे का ये जो साइज़ है, ठीक है, अंगूठा इनका थोड़ा सा बहुत छोटा अंगूठा है। ठीक है, बट इनका जो है अंगूठा थोड़ा सा बेंड हो रहा है, तिरछा होकर के बेंड हो रहा है इनका अंगूठा। ठीक है, ऐसे जातक जिसका भी अंगूठा इस तरीके से बेंड होता है, ठीक है, एक तो इनको प्लैम मैंने बताया काफ़ी बड़ा है और इनके हाथ से देखा जाए, इनके हाथ की अवस्था से बिल्कुल सीधा देखा जाए तो इनका अंगूठा काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है। इनका अंगूठे का जो एरिया है वो काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे जातकों की जो इच्छा शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो चीज़ आप सोचते हैं वो चीज़ इनकी पूरी होती है। ठीक है, पैसा तो इतना आता है कि संभाल करके भी नहीं रख पाते हैं। ठीक है, बट लेकिन ऐसे जातक जो है नशा पत्ती करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है नशा पत्ती, या इनके फैमिली बैकग्राउंड में ही कोई ना कोई नशा पत्ती में इनका पैसा ज़रूर जाता है ऐसे जातकों का। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके हाथ पर यहाँ पर शुक्र पर्वत के। शुक्र माउंट इनका काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है हथेली पर, आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से इनका शुक्र माउंट यहाँ पर है। ऐसे जातकों को लग्जरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। शुक्र पर्वत पे यहाँ पर इनके एक ये निम्न मंगल की भी एक रेखा यहाँ पर निकल रही, मंगल ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर इनकी जो लाइफ में है, एक तो लग्जरी लाइफ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। साफ़ सुथरा इनका रूम होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसे जातक जो है 2 नंबर का पैसा भी शुक्र दिला देता है कभी कभी।
ऐसा भी है, क्योंकि इनकी हथेली पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये कुछ कुछ जो है कुछ कुछ पॉइंट है जो इनकी हथेली पर कट रही, कुछ रेखाएं यहाँ पर काटने को मिल रही हैं। ये रेखाएं इतने पोर्शन पे जो काट रही हैं, ठीक है, 2 नंबर का पैसा इनके पास ज़रूर आता होगा, कहीं ना कहीं से धांधली से भी इनके पास पेमेंट वगैरह आ जाता होगा, ऑर्डर आ जाता होगा कभी कभी, ऐसा भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पर जातक के, यहाँ पर बुध पर्वत की। बुध पर्वत इनका काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है हथेली पर। ये जो रेखाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बुध पर्वत पे, बिल्कुल साफ सुथरी हैं और बिल्कुल खड़ी रेखाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बुध पर्वत पर, स्ट्रेट हैं, काफ़ी स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी अवस्था पर है इनका, इनके बुध पर्वत में भी काफ़ी ज़्यादा उभार है। ठीक है, आज जिस भी जातक का बिजनेस होता है, बिजनेस में बुध को पहले सबसे देखा जाता है। बुध जितनी अच्छी अवस्था में, जितनी अच्छी पोजीशन पर होता है बंदा, उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है अपने जीवन पर, और बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा जो है इंसान से बोलने चालने का ही काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है, कि सामने वाले बंदे से आप अपनी वाणी से कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते, अपने माल को कितनी जल्दी, अपने प्रोडक्ट को आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात है। तो इनका बुध काफ़ी अच्छा, एक फीमेल होकर के इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्होंने बिजनेस संभाला अपनी लाइफ में। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके यहाँ पर जो है सूर्य माउंट के। सूर्य इनका काफ़ी अच्छी पोजीशन पर मेरे को नहीं दिख रहा है, काफ़ी सारी रेखाएं भी हैं जो कि सूर्य पर्वत पर काट रही हैं, जो कि अच्छी पोजीशन पर नहीं है। ठीक है, ये बात है। सूर्य की वजह से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा कभी कभी इनको नुकसान भी होता होगा। ठीक है, और नेम फेम में भी कभी कभी जो है जो इनको मिलना चाहिए, जो इनको टेंडर इनके पास आना चाहिए, जो इनका माल बनना चाहिए, कभी कभी वही ऑर्डर किसी दूसरे बंदे के पास भी चला जाता है, वो कभी कभी इनको नुकसान भी होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की फिंगर इनकी काफ़ी छोटी है, इतनी छोटी फिंगर शुभ नहीं मानी जाती है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। सूर्य की अगर फिंगर अगर छोटी है किसी भी जातक की, समझ लीजिए आपका नेम फेम बहुत जल्दी आपका डूबेगा, ऐसी बात भी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर शनि माउंट की। शनि माउंट इनका काफ़ी जो है बेहतर मेरे को नज़र आ रहा है, बट लेकिन शनि माउंट में भी एक स्क्वायरस मेरे को नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये एक स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर शनि माउंट में। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है एक तरीके से, ऐसा थोड़ा सा और है, इसे मैं झंडा भी बोलूँगी और इसको मैं स्क्वायर भी बोलूँगी। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह भी इन्होंने बनाया होगा, अप्रॉक्स 32 के करीब आसपास इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी भी इन्होंने परचेज़ करी होगी। ठीक है, और शनि महाराज ने इनको काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट भी किया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके बृहस्पति माउंट की। बृहस्पति माउंट में भी देखिए यहाँ पर कुछ स्क्वायर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा रहा है, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर इनके बन रहे हैं। एक ये बड़ा स्क्वायर भी यहाँ देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ऐसा ये जो वर्ग साइज़ का ये जो बृहस्पति माउंट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी का इनके पास 2-3 प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, इन्होंने अलग से फार्म हाउस वगैरह भी, जो फार्म हाउस लोगों के होते हैं वो बृहस्पति के वजह से ही लोगों के पास फार्म हाउस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पति काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है इनकी हथेली पर। ठीक है, बट लेकिन दूसरी बात ये है कि ऐसे जातकों को सांस लेने में दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा होती है, दमा वगैरह की प्रॉब्लम भी हो जाती है ऐसे जातकों को। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इनकी हार्ट लाइन की। हार्ट लाइन में देखिए हार्ट लाइन इनकी क्लियर नहीं है, यहाँ से भी हार्ट लाइन में एक ब्लैकनेस नज़र आ रही है, इतने एरिया में ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये कि हार्ट लाइन में भी देखिए एक रेखा ये ऐसे काट रही है यहाँ पर, ये क्रॉस नज़र आ रहा है। ठीक है, हार्ट लाइन में अगर इस तरीके से हार्ट लाइन इनकी जो जा भी रही है, मैं दिखाना चाहूँगी, इनकी हार्ट लाइन ऐसे निकल रही है, यहाँ से ऐसे निकल रही है इनकी हार्ट लाइन, यहाँ से निकल के सीधे ऐसे जा रही है इनकी हार्ट लाइन, और 3 भागों में भी बटी है इनकी हार्ट लाइन में, छोटी छोटी रेखाएँ भी निकल रही हैं फॉर्क टाइप, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। इससे ये पता चलता है कि सामने वाले बंदे के अंदर कुछ ना कुछ मन में काला ज़रूर रहता है ऐसे जातकों के अंदर, और ऐसे जातक जो है दूसरों का पैसा काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी लहरदार होकर के नीचे से चली है,
मोस्टली लोगों की हार्ट लाइन ऐसे चलती है, स्ट्रेट चलती है, और इनकी जो हार्ट लाइन चली है काफ़ी नीचे है, और इनके हार्ट लाइन में ये माइंड लाइन के बीच में गैपिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक और घमंडी भी होते हैं, ठीक है। ऐसे मालिक तो बनते हैं, लेकिन ऐसे मालिक जो होते हैं, ठीक है, दूसरों का पैसा मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। कहीं पर भी दुकानदार से अगर सामान लेने भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ मोल तोल करेंगे, भेदभाव कुछ ना कुछ मतलब मोल तोल करेंगे और पैसा कम करवाते हैं ऐसे जातक, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो खूबी ही होती है, गॉड गिफ्टेड ही होती है, ऐसी बात है, ठीक है। और मैं फिर से दिखा भी देना चाहती हूँ, ये देखिए इनकी इनकी ये जो हार्ट लाइन के बीच की जो गैपिंग है बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ये देखिए बिल्कुल कम है, ठीक है। और इनकी ये जो हार्ट लाइन है बिल्कुल ऐसे नीचे से ऐसे यूँ लहरा के ऊपर गई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट लाइन जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और चापलूस भी होते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहती हूँ, जो भी मैं प्रेडिक्शन करती हूँ एक्यूरेट प्रेडिक्शन करती हूँ, चाहे किसी भी बंदे को गलत लगे या सही लगे, हमारा वर्क ही है, काम ही है कि लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग जागरूक हो सके और अच्छे से जो है हैंड एनालिसिस मेरे चैनल पर कुछ लोग सीखते भी हैं, कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ लोग सीख भी रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग गलत दृष्टि से मत देखिएगा कि मैं इसमें गलत बात बता रही हूँ, गलत बात बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जितना ज़्यादा ज्योतिष में किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएंगे, अगर इस तरीके से जो महीन महीन बारीकियाँ होती हैं ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर लोग छुपा लेते हैं, बताते नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है लोग भी समझ सकें, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं हथेली पर। हथेली पर 6-6 महीने में रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनके माइंड लाइन की, देख लेते हैं इनकी। देखिए जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी इनकी माइंड लाइन निकली है, ठीक है। और माइंड लाइन में एक मंगल का भी सपोर्ट है इनकी हथेली पर, ठीक है। बट मंगल का भी यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, दिखाना चाहूँगी मैं आपको, ये इनका माइंड लाइन है। और माइंड लाइन में यहाँ पर एक ये यव का साइन देखने को मिल रहा होगा छोटा सा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अगर किसी की भी हथेली में अगर यव का चिन्ह देखने को मिलता है, इन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया था। एक यहाँ पर भी एक छोटी सी आंख देखने को मिल रही है इनकी हथेली पर, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, कुछ निगेटिव लाइन्स भी हैं जो कि निकल रही हैं यहाँ पर माइंड लाइन को, और माइंड लाइन को काफ़ी सारी रेखाएँ यहाँ पर काट रही हैं, ये देखिए। और अभी फ़िलहाल इनकी जो उम्र है 36 है, 36 साल है, इन्होंने बहुत कम समय में इन्होंने बिज़नेस वगैरह सब संभाल लिया, ऐसा बात है, ठीक है। और एक अच्छी बिज़नेस सफल वूमेन बनी है, बट लेकिन अभी इनकी फैक्ट्री में आग लग गई है, क्यों आग लग गई है ये जानना चाहती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका जो माइंड है काफ़ी, इनका माइंड काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। और दिमाग के साथ साथ ये काफ़ी होशियार भी हैं, लग्जरी लाइफ इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, इनको कोई लत वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे शुक्र का जो माउंट है काफ़ी बाहर की तरफ निकला हुआ है इनका, शुक्र प्लैनेट ही कलयुग में तो शुक्र महाराज की ही सबसे ज़्यादा देन अगर किसी के ऊपर हो जाती है तो वही व्यक्ति माला माल है, क्योंकि हर एक इंसान को कलयुग में जो है लग्जरी लाइफ जीनी है, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए शुक्र महाराज की इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी कृपा थी, तभी इनका जो है बिज़नेस वगैरह इनका ग्रोथ किया, इन्होंने फैक्ट्री वगैरह भी डाली, सब इनका काम भी चला, ठीक है। अभी फ़िलहाल इनके जो है आग लगी हुई है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन देख लेते हैं इनके ये निगेटिव है, ठीक है। और अभी इनको जो है अभी एक ये देख रहे हैं, एक ये लाइन काट रही है, ठीक है। अप्रोक्स इनको जो है 46 के आसपास एक और बड़ा इनको धोखा मिलेगा, ठीक है। इनके काम के प्रति कुछ ना कुछ उतराव चढ़ाव इनकी लाइफ में आएगा, जरूर फिर से आएगा, ठीक है। अप्रोक्स अभी जो इनकी लाइफ है, एज है, ठीक है, वो 36 है, ठीक है। और यहाँ पे लाइन देख सकते हैं कि जिस तरीके से लाइनें काट रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइनें काट रही हैं अप्रोक्स इनके इनकी जो है लाइफ में आफ्टर ये मान के चलिए कि 28 में भी कुछ ना कुछ
लड़खड़ाहट आई होगी इनके लाइफ में, 38 में आई होगी, 31 में आई होगी, ठीक है, 32 में भी आई होगी, 33 में भी आई होगी, 32 में भी आई होगी, ये टाइम पीरियड इनका अच्छा नहीं गया है, ऐसा है, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं इनकी फैक्ट्री में आग क्यों लगी। यहाँ पर ये देखिए बाहरी मंगल पे ये जो क्रॉस जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो अभी इनके हाथेली पर जो क्रॉस जो पड़ा हुआ है, तीन से चार महीने पहले इनके हथेली पर बना होगा, ठीक है। और हथेली पर बाहरी नंबर बाहरी भाग पर अगर मंगल भाव पे अगर जो है क्रॉस का चिन्ह होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है, आग वगैरह का भी खतरा होता है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व का प्लैनेट है, ठीक है। तो जितना भी जो है रसोई में किचन में भी लेडीज़ें खाना वगैरह जैसे बनाती हैं, ठीक है, तो उसमें भी मंगल इन्वॉल्व रहता है, किचन में शुक्र और मंगल दोनों प्लैनेट इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इनकी हथेली पे यहाँ पे ये जो साइन देख रहे हैं ये अच्छा मीन्स नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और ये जो मंगल प्लैनेट ही इनका डिस्टर्ब है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसी प्लैनेट की वजह से ही इनकी फैक्ट्री पर आग लगी हुई है। और यहाँ पर जो क्रॉस भी देख रहे हैं काफ़ी बड़ा एरिया पर है, और माइंड में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्योंकि माइंड लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा ये टच है क्रॉस, ठीक है, इसी वजह से ही इनकी फैक्ट्री पे जो है आग लगी हुई है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से ये इनकी शुक्र की यहाँ पर जो है लाइन जा रही है, शुक्र की लाइन के आसपास एक रेखा ये दिख रही है, साफ सुथरा यहाँ पर देख रहा है, देखने को मिल रहा है, पूंछ तार देखने को मिल रहा है, ये चिन्ह डायमंड की आकृति में पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी डायमंड को अंदर भी एक रेखा ऐसे काट रही है, ये रुकिए मैं ड्रॉ करके फिर से दिखाती हूँ आपको, ये रेखाएं ऐसे काट रही हैं, ये जो रेखा काट रही है ये यहाँ पर संकेत भी कर रही है थी इनको कुछ अनहोनी का, ठीक है। अगर इन्होंने पहले अगर किसी पंडित को दिखाया होता, कुंडली दिखाया या हैंड का विश्लेषण करवाया होता, इंसान पहले ध्यान नहीं देता, जब इंसान के ऊपर विपत्ति आ जाती, काफ़ी परेशान हो जाता है, तब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, मंदिर मस्जिद सब जगह भागता है। पहले तो सब यही कहते हैं कि ढोंग होता है, सब कुछ नहीं होता, ये जो फीमेल है ये भी एस्ट्रोलॉजी को कुछ नहीं मानती थी, ठीक है, बट लेकिन अब मानती हैं, काफ़ी ज़्यादा मानती हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है ये जो चिन्ह है, ठीक है, क्योंकि मछली पे आघात किया है, ठीक है, मछली पे आघात कर रहा है कि ये साइन जो बन रहा है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये काफ़ी डिस्टर्ब भी रही हैं, ठीक है, जो कि मैंने बताया भी काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब भी चल रही थी, परेशान भी चल रही थी। दूसरी बात ये है इनको काफ़ी धोखे भी मिले होंगे, क्योंकि चंद्र पर्वत जिस तरीके से जिस पोजीशन पर मेरे को देखने को मिल रहा है, चंद्र पर्वत पे भी कुछ रेखाएं जा रही हैं जो कि ऐसे ऐसे काट रही हैं, ऐसे ऐसे कट रही हैं, और जो कि चंद्र पर्वत पे ऐसे ऐसे रेखाएं कटना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि चंद्रमा जो है मन को प्रभावित करता है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपका मन ही अच्छा नहीं रहता, अगर आपका मूड ख़राब रहता, आप थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लेते हो, ठीक है, तो आपका जो मन कहीं दूसरी जगह था, ख़राब अवस्था में हो गया था आपका मन, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता, आप म्यूज़िक सुनते हो तो मूड ठीक हो जाता है। तो आप जैसा सुनते हो, जैसा देखते हो, आप शमशान घाट जाओगे तो आपका माइंड एकदम से निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं पॉजिटिव जगह मंदिर पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, तो आप भी पॉजिटिव हो जाते हो, आपको भी अच्छा लगता है। इसी तरीके से चंद्रमा प्लैनेट को जो है अपने होरोस्कोप में, अपनी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा महत्व मिला है, शास्त्रों में भी काफ़ी ज़्यादा महत्व मिला है, क्योंकि जल से ही पूरा हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है, ऐसा है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आज का दिन हमारा अच्छा गया, आज का दिन हमारा बहुत ख़राब गया, तो ये चंद्रमा का इफ़ेक्ट पड़ता रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है दो दो दिन, सवा दो दो दिन में हर एक राशि पर मूवमेंट करता रहता है, इसलिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनकी जो है पोजीशन है, अभी ये मान के चलिए जिस तरीके से इनकी माइंड लाइन में नोटिस कर रही हूँ और यहाँ का इनका बाहरी मंगल जो देख रही हूँ, ये इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी, प्लैनेट के अकॉर्डिंग मैं रेमेडीज़ कराती हूँ, रेमेडीज़ जो चार्जेस होते हैं वो मेरे अलग होते हैं, ठीक है, तो रेमेडीज़ मैं इनको अलग से बता दूँगी, ठीक है, और अगर वो रेमेडीज़ अगर ये करेंगी तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनको राहत मिलेगी, ऐसा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और मंगल इनको काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्टर्ब भी करेगा। दूसरी बात ये है कि इनकी हथेली पर मैं राहु को देख रही हूँ, राहु राहु
राहु की पोजीशन पर भी देखिए काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, ये रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, अच्छी अवस्था पे नहीं है, छोटी छोटी महीन महीन रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, ठीक है। राहु भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, राहु पर पतली रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है। और जो भी बंदा अगर प्लास्टिक का फैक्ट्री डाले हुआ है, प्लास्टिक का काम कर रहा है, तो राहु तो उसका अच्छी पोजीशन पर होगा, तभी तो वो प्लास्टिक की फैक्ट्री डाले हुआ है। कुंडली भी किसी भी जातक का अगर राहु उच्च का है, तो अगर प्लास्टिक का फैक्ट्री भी डालेगा, लकड़ी संबंधित कोई भी काम करेगा, तो उसको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। लेकिन राहु भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, और राहु अगर जो है बहुत ज़्यादा वो उद्दंड करता है, तो मंगल कंट्रोल करता है राहु को, ठीक है। बट लेकिन मंगल ने ही यहाँ पर उत्पात कर दिया, इसी वजह से ही इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, ठीक है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राधे राधे। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अधिक जानकारी के लिए नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, और नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे जाकर के कमेंट करिए, जो कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हों, कोई भी माइंड में चल रहा हो, तो नीचे जाकर के कमेंट कर सकते हैं नीचे जाकर के। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर किया करिए, और लाइक ज़रूर करिए। प्लीज़ वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, यही हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। नमस्कार, राधे राधे।